सरोकार। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने भूपेश पर बोला हमला, कहा कि सरकार के संरचना में भ्रष्टाचार बढ़ोतरी हो रही है। आदिवासियों के 32% आरक्षण की बहाली की मांग को लेकर भाजपा का एकात्मर परिसर से राजभवन तक पैदल मार्च आरंभ। रायपुर में पेनिक बटन को 112 से जोड़ने ट्रैफिक ने भेजा प्रस्ताव, स्वीकृति के अभाव में अटका काम। रायपुर में वर्षा के चलते अब फसलों को बढ़ेगा कीटों का प्रकोप, धान की कटाई में होगी देरी। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंद्र ने प्रेस वार्ता की, सीएम भूपेश बघेल पर साधा निशाना। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नदिनी यादव। वक्त हो चुका है छत्तीसगढ़ की खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। रायपुर में नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने प्रेस वार्ता कर कहा कि छत्तीसगढ़ में 11 तारीख से देश में लगातार ईडी की कार्रवाई हो रही है और भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है। छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार के आखंड में डूबा हुआ है, सरकार के संरक्षण में अधिकारी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सत्ता पक्ष नेता उसकी मॉनिटरिंग करते हैं, हर विभाग में भ्रष्टाचार हो रहा है, सरकार तत्काल अधिकारियों पर निलंबन की कार्रवाई करे और सीएम भूपेश बघेल को इस्तीफा दे देना चाहिए। पिछले 3 दिन ईडी की कार्यवाही हुई, उसके पहले इस प्रदेश में आईटी की रेड हुई थी और आईटी की रेड एक सर्वे होता है और आईटी की रेड में यह पाया गया कि यह ईडी के लायक है, इसलिए ईडी ने यहां पर अपनी कार्यवाही की। करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कल ईडी का प्रेस नोट भी जारी हुआ है, बहुत सी चीजें उसमें सामने आई हैं। सबसे बड़ी बात, इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ईडी के खिलाफ उलफजुल बयान दे रहे हैं, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 3 दिन छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी रायपुर पहुंचे। रायपुर सेंट्रल जेल प्रदेश के पहले राज्य स्तरीय बृहद जेल लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वे राज्य के सभी जेलों की स्थिति से अवगत होंगे। इस प्रयास से ओवर क्राउडिंग को कम करने का प्रयास है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य जहाँ इस तरह का प्रयास किया जा रहा है और हर दूसरे शनिवार को ऐसी जेल अदालत का आयोजन किया जाएगा। बताने में अत्यंत खुशी है, छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहाँ पे इस तरह की, ये जो हमने स्टेप लिया, ये कैदियों को उनके जो मानव अधिकार है उनको, उनकी रक्षा करने के लिए पहला राज्य है सालसा की तरफ से। और इसमें सभी स्टेक होल्डर के इम्पोर्टेंस रहती है, जैसे जेल है, डिफरेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनके सहयोग से। और ये जो निरंतर हम ये प्रयास करते रहेंगे, हर शनिवार को ये रखा गया कि हर गैप में एक शनिवार को जेल में ऐसी लोक अदालत रखी जाएगी ताकि उन कैदियों को फ़ायदा मिल सके, क्योंकि ओवर क्राउडिंग से रिजल्ट ये आता है कि उनके मानव अधिकार का कहीं ना कहीं हनन हो जाता है। लोअर में एटीआर के बिचरा कछार सर्कल के गांव बिसौनी में लगभग 7 हाथियों के छोटे बड़े झुंड ने उत्पात मचाते हुए 2 वनवासियों के मकान को तोड़कर घर में रखे राशन को चट कर गए। इस दौरान घर पर सोए ग्रामीणों ने हाथियों की चिंघार सुनकर जान बचाकर भागे, तो उधर गांव वालों ने शोरगुल करते हुए मशाल जलाकर हाथियों को भगाया। तो वहीं एटीआर के रेंजर किशोर साहू ने बताया कि पूरा एटीआर प्रशासन हाथियों को भगाने में लगा हुआ है और जिन लोगों के घर और फसल नुकसान हुआ है उसका आकलन किया जा रहा है और उनकी जल्द ही क्षतिपूर्ति की जाएगी। बुधवार की लगभग रात बजे 9 की घटना है, 6 से 7 हाथियों का जो झुंड है
एटीआर के कक्ष क्रमांक 457 ग्राम विसौनी में प्रवेश किया और दो घर को क्षतिग्रस्त किया है और कुछ फसल और राशन भी क्षतिग्रस्त किया है। और भी क्षतिग्रस्त है उनका आकलन किया जा रहा है, उनको तत्काल मुआवजा दे दिया जाएगा। कोरिया जिले के बैकुंठपुर से 7 किलोमीटर की दूरी पर गेंज बांधरा के पास आज सुबह भारतीय मानक समय पर 4.8 रिएक्टर तीव्रता का दोबारा भूकंप आया। बता दें कि लगभग एक महीने पहले भी कोरबा में भूकंपीय झटके महसूस किए गए थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये भूकंप सतह 10 किलोमीटर की गहराई पर केंद्रित था, जिसकी भौगोलिक अंशांशीय स्थिति 23.33 उत्तरी अंशांश और 82.058 पूर्वी देशांतर थी। कोरिया जिले के सभी स्कूल के मध्याह्न भोजन रसोईया संघ के बैनर तले सैकड़ों महिलाएं अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी हैं और बिहार सरकार के खिलाफ नारे लगा रही हैं। उनकी मांग है कि आज की महंगाई के दौर में घर चलाना मुश्किल है, ऐसे में उन्हें न्यूनतम वेतन दिया जाए, जो भी रसोईया कर निकाले गए उन्हें वापस कर लिया जाए। प्रमुख मांग जो है हमारी 3 है, हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, निकाले गए रसोइयों को पुनः वापस लिया जाए, जो अर्ध शासकीय है उसे पूर्ण रूप से शासकीय किया जाए। अगर भूपेश सरकार हमारी मांगों को अनसुना करती है तो आज यहाँ हमको बैठे हुए 5 दिन हो गया है, 5 दिन बैठे हो गया। अगर भूपेश सरकार हमारी मांग नहीं सुनती है तो हम अंबिकापुर संभाग में जाके चक्का जाम करेंगे। मेरा नाम ममता ठाकुर है, मैं ग्राम सोनहत की रहने वाली हूँ, मैं रसोईया संघ की ब्लॉक अध्यक्ष हूँ और हम लोग अपने मांगे के लिए यहाँ बैठे हैं। हमारी जायज मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए, हमें कलेक्टर रेट किया जाए और जो बैठाए हुए रसोईया हैं उनको वापस लिया जाए। हमारी मांगे हमारी रोजी 50 रुपए है, हम लोग 50 रुपए में काम नहीं चलता है, इसीलिए हम लोग अपने मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं कि भूपेश बघेल हम लोग की मांग को पूरा करेगी। खनिज विभाग में हुए अफरा तफरी को लेकर ईडी की कार्रवाई जारी है, बावजूद इसके कोरबा में कोयला चोरी का अवैध कारोबार थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ही एक मामले में पाली पुलिस ने चोरी के कोयले से लोड एक हाइवा वाहन को जब्त किया है। पुलिस चालक परिचालक के साथ हाइवा वाहन में लोड 9 टन कोयला जब्त कर आगे की कार्यवाही में जुट गई है। कोयला कहाँ लेके जा रहा था? रतनपुर। कौन रतनपुर ले जाने के लिए बोला इसको? क्या नाम है? कहाँ का है वो? सेंटर को नहीं। कुछ बिल्टी है इसका कोयला का? अब मालूम नहीं भैया। तो किस कहाँ से भरे हुए कोयला? यही बगल में। क्या चीज से भरे? लेबर। तो कोयला यहाँ पास कौन गिराया था? उतना मालूम नहीं भैया, हमको तो बस नंबर दिए। तो कितना समय भर रहे थे कोयला? अरे भैया वही रात को 1 बजे। मनरेगा में भ्रष्टाचार पर प्रशासन सख्त है। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में फर्जी मस्टर रोल एंट्री मामले में 2 रोजगार सहायकों को बर्खास्त कर गया है। बता दें कि महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जिले में फर्जी मस्टर रोल भर के मजदूरी हरण करने के मामले में शिकायत की मरवाही जनपद के 2 पंचायतों में ग्रामवासियों द्वारा की गई थी, जिसके बाद इन दोनों रोजगार सहायकों पर कार्यवाही की गई है। प्रशासन ने इस कार्यवाही से संदेश देने की कोशिश की है, जिले में भ्रष्टाचार पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। ग्राम पंचायत चंगेरी और बसपुरा के ग्रामवासियों द्वारा शिकायत की गई थी, फर्जी मास्टर रोल का मामला था। इसका हम जो है जनपद स्तर के टीम से जांच कराए, जांच के बाद उनको प्रतिवेदन प्राप्त हुआ और इनको हम अवसर भी दिए और इनका जो जवाब था संतोषप्रद नहीं था, इस कारण से इसमें कार्रवाई की गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के निर्देशन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व ग्रामीण अनंत कुमार के मार्गदर्शन में गृह मंत्री के ग्राम पवारा के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में पुलिस द्वारा पुलिस चौपाल लगाया गया। पुलिस चौपाल में पुलिस अनुविभागीय अधिकारियों द्वारा बच्चों को यातायात जागरूकता एवं साइबर अपराध से बचने के उपाय तथा महिला सुरक्षा के संबंधित बातों से अवगत कराया गया। साथ ही पुलिस द्वारा बनाए गए एप्लीकेशन अभिव्यक्ति को उपस्थित सभी छात्राओं को मोबाइल में डाउनलोड कराया गया और इस ऐप से महिला सुरक्षा संबंधी लाभ के बारे में जानकारी दी गई। आज CWC के माध्यम से दुर्ग पुलिस के द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गुड टच बैड टच और यातायात नियम साइबर फ्रॉड इसके संबंध में बच्चों को जागरूक किया गया। साथ ही रक्षा टीम भी उपस्थित थी, जो हमर बेटी हमर मान माननीय मुख्यमंत्री जी की
एक लॉन्च किया गया है कार्यक्रम। उस अभियान के तहत उन्हें महिला संबंधी कानून के संबंध में अवगत कराया गया है और एक प्रकार से जागरूकता अभियान था जिससे बच्चे किसी भी तरीके से पुलिस से घबराए नहीं, उसने अपना मित्र समझा और किसी भी विषम परिस्थिति में पुलिस को अपना सहयोगी मानते हुए उनसे संपर्क करें। इस दौरान अभिव्यक्ति है डायल 112 के संबंध में भी बच्चों को बताया गया। दुर्ग के भिलाई शहर में बढ़ते ट्रैफिक और आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को देखते हुए दुर्ग जिला पुलिस यातायात को लेकर लगातार सुगम बनाने का प्रयास करती नजर आ रही है। इसी कड़ी में दुर्ग और भिलाई शहर से गुजरने वाले हाईवे पर 24 घंटे गूगल मैप के माध्यम से नजर रखी जाएगी, जिससे जाम की स्थिति का पता लगाना आसान होगा और जाम की स्थिति होने पर कंट्रोल रूम द्वारा तत्काल हाईवे पेट्रोलिंग और संबंधित यातायात जोन को लेकर ट्रैफिक क्लियर करवाने को लेकर निर्देशित किया जाएगा। भिलाई के औद्योगिक क्षेत्र हथखोज में दो फैक्ट्रियों में आग लगने की बता दी गई, जब से सबसे पहले केमिकल फैक्ट्री में आग लगी, लेकिन इससे पहले कि आग पर काबू पाया जाता ये आग बगल वाली मेटल फैक्ट्री तक पहुंच गई। घटना के समय बड़ी संख्या में कर्मचारी दोनों फैक्ट्रियों में काम कर रहे थे और आग की सूचना मिलते ही सभी ने भागकर अपनी जान बचाई। तो वहीं घटनास्थल पर 3 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पहुंचकर 2 घंटों की मशक्कत के बाद दोनों फैक्ट्रियों के आग को बुझाया। फिलहाल आग के लगने के कारण और फैक्ट्रियों के में अभी तक पता नहीं चल पाया है। असम मणिपुर की लसी प्रिया कुंजगाम सरगुजा जिले के उदयपुर ब्लॉक के हरिहरपुर पहुंची और हसदेव अडर जंगल के पेड़ों को बचाने और खदान के विरोध में महीनों से बैठे हैं, आम लोगों के आंदोलन का समर्थन किया। दरअसल लसी प्रिया कुंजगाम 11 साल की भारत की बाल पर्यावरण कार्यकर्ता है। बता दें कि हसदेव अडर के जंगलों को बचाने ग्रामीण कई महीने से धरने पर बैठकर राजस्थान राज्य पवार कंपनी का विरोध कर रहे हैं। ऐसे में लसी प्रिया के यहाँ पहुंचने पर उसे सुनने और देखने सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण हरिहरपुर थाना स्थल पर पहुंचे। इस दौरान लसी प्रिया ने आमजनों को पर्यावरण के लिए सचेत किया, हसदेव को बचाने में ग्रामीणों के साथ रहने की बात कही। हम लोग यहां आकर और बिलासपुर जो आंदोलन कर रहे हैं उसके द्वारा सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों का आंदोलन अभी अनवरत चलता रहेगा, जब तक यहां पर खदानों की आवंटन रद्द नहीं होगा और सरकार लिखित में अपनी सभी अनुमतियां वापस नहीं लेती है और पेड़ों की कटाई बंद नहीं करती है। अडानी कंपनी को यहां से वापस जाना होगा और हम लोग इसके लिए कृतसंकल्प हैं और अब ये लड़ाई हम लोग पूरे प्रदेश में हर एक विधानसभा में जा जा कर लड़ेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे और उनको जगाएंगे और इनकी असलियत बताएंगे। सबको नमस्ते, मेरा नाम लिसिप्या कंगुजम है, मैं 11 साल की एक पर्यावरण कार्यकर्ता हूँ और आज मैं हस्तियों में आई हूँ जिससे मैं हस्तियों जंगल को मैं बचा सकूँ, जिससे मैं सपोर्ट कर सकूँ जो इंडिजिनस पीपल है, जो आदिवासी लोग हैं, जो लड़ रहे हैं अंडानी के मिशन से, जो माइनिंग कर रहे हैं, जो वो पेड़ काट रहे हैं, वो डिफॉरेस्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो आप सब मुझे सपोर्ट करिए, आप सब वो इंडिजिनस पीपल को सपोर्ट करिए, वो आदिवासी लोगों के साथ, क्योंकि अगर फॉरेस्ट नहीं होगा तो बहुत सारे जानवर अपने हैबिटेट को लूज़ करेंगे, अपने घर को लूज़ करेंगे और बहुत सारे लोग अपने ज़मीन को खो देंगे, अपने जैसे घर को खो देंगे और अपने बच्चे के भविष्य को भी खो देंगे। तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करो, उन्हें भी सपोर्ट करो और हम अगेंस्ट रहेंगे अंडानी के मिशन पर और जो भी वो कुछ करेंगे हम उनके अगेंस्ट रहेंगे और हम फाइट करेंगे अंटिल हमें ये सक्सेसफुल नहीं रहेगा। फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।